बिना घी, बिना मावा, बिना दूध, सिर्फ दो मुख्य सामग्री से आज हम हलवाई स्टाइल ऐसी मिठाई बनाएंगे जो आप यदि बाजार में खरीदने जाएंगे तो लगभग 600 से 700 रुपए किलो पड़ेगी, और यही हमारे घर में सिर्फ 115 रुपए किलो पड़ी है, और खाने में तो इतनी स्वादिष्ट कि सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप जितनी मूंगफली ली है, और वजन में देखे तो मूंगफली लगभग ये 350 ग्राम जितनी है, और ये कच्ची मूंगफली है, आपको भी कच्ची मूंगफली ही लेनी है। अभी इस मूंगफली को परात के अंदर डाल करके एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने का रीजन ये होता है, बहुत बार मूंगफली के अंदर कुछ काली मूंगफली निकल जाती है, या कभी होल वाली मूंगफली निकल जाती है, बासी मूंगफली निकल जाती है, उस मूंगफली को हमें बाहर निकाल लेना है। उस मूंगफली को इसके अंदर रखेंगे, हमारी रेसिपी के अंदर कड़वापन आ जाएगा और पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी। जैसे देखिए इस मूंगफली के अंदर कालापन है, ये मूंगफली इसमें डालेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, ये निकालना बहुत जरूरी है। इस तरह सभी मूंगफली को चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद में इसे एक पैन के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और गैस को चालू कर देंगे। गैस को हमें स्लो और मीडियम के बीच में ही रखना, तेज आंच में नहीं करना है, और इसे लगातार चलाते हुए सेकना है। आज मूंगफली सेकते समय आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि मूंगफली के ऊपर कोई तरह के दाग नहीं आना चाहिए। यदि आप इसे तेज आंच में सेकेंगे तो इसके ऊपर दाग आ जाएंगे, और यदि दाग आ गए तो रेसिपी का लुक खराब हो जाएगा। इसीलिए आंच को कभी भी आप धीरे रख के सेकें और लगातार चलाते रहें। वैसे आज की वीडियो में हम मूंगफली से चिक्की नहीं बना रहे हैं, पर यदि आपको चिक्की की रेसिपी सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट करके बोलते हैं जब हमारे घर में हम चिक्की बनाते हैं तो हमारी चिक्की सॉफ्ट रह जाती है, परफेक्ट नहीं बनती है। यदि आपको बिल्कुल लोनावाला की तरह क्रंची और स्वादिष्ट चिक्की की रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, वो भी मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। सीखने के समय आप ध्यान रखें पैन थोड़ा मोटा पैन देख लें जिसे मूंगफली अच्छी सीखती है। आप देख पा रहे हैं मूंगफली को मैं लगातार चलाते हुए सीख रही हूँ, कहीं पर भी दाग नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मूंगफली सीखने लगती है तो चटकने लग जाती है और उसके मुंह खुलने लग जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं देखिए मुंह खुलने लग गए हैं इस तरह से, और कोई एक मूंगफली लेकर के इस तरह देखेंगे छिलका निकाल करके तो आराम से इसका छिलका निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट सीख गई है। सभी मूंगफली को देखने की जरूरत, एक मूंगफली देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा करने के लिए इसे उसी परात में निकाल लेंगे। यदि इसी पैन के अंदर रखेंगे तो पैन काफी गर्म है तो मूंगफली का कलर चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे निकालना जरूरी है और इस तरह से फैला करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। कलर आप देख पा रहे हैं किसी का भी चेंज नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट सिक्के तैयार हुई है, क्योंकि हमने इसे स्लो और मीडियम आंच में सेका है। अब ये मूंगफली ठंडी हो गई है, हल्की सी गुनगुनी गर्म है, तो इस तरह से लेकर के इसे मसल लेंगे। देखिए मूंगफली अच्छी सिकी हुई तो आराम से इसके छिलके निकल जाएंगे। आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं, तो कपड़े के अंदर डाल करके इस तरह से मसलेंगे तो भी इसके छिलके निकल जाएंगे। अच्छी सिकी हुई होनी चाहिए मूंगफली। इस तरह से मसल मसल के मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं। अभी आप चाहे तो इसके कचरा को झाड़ के निकाल सकते हैं, तो झाड़ के निकालते हैं तो ये बहुत बिखरता है, इसलिए मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। इस तरह से कोई भी जरा ले लें, ऐसा जरा तो सबके घर में मिल जाता है जिससे कि हम फ्राई करते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आराम से इसके छिलके बाहर निकल जाएंगे। छिलके आप देख पा रहे हैं इजिली निकल गए, देखिए इसे, और मूंगफली एकदम से साफ हो गई है। वैसे तो मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा मूंगफली के ऊपर लगा हुआ रह जाए तो कोई बात नहीं, पर आज की रेसिपी के लिए इसमें कोई लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। लगा हुआ रहेगा तो इसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मूंगफली एकदम से हमारे साफ है। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। आज की पूरी रेसिपी के अंदर हमारी यही कोशिश रहेगी इसका कलर एकदम मेंटेन रहे। इस तरह से हमने सभी मूंगफली के ऊपर से छिलके निकाल लिए हैं। मूंगफली एकदम हमारी सफेद हो गई, देखिए कहीं भी दाग वाली नहीं दिख रही है। इस समय मैं आपको बता देती हूँ मार्केट में सिकी हुई मूंगफली भी मिलती है, उस मूंगफली का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो मूंगफली नमकीन होती है। यदि आपके घर में बिना नमक लगी हुई मूंगफली निकाल करके रखी हुई हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपको सेकनी नहीं पड़ेगी और रेसिपी आपकी बहुत झटपट बन जाएगी। अभी इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। यदि आपकी मिक्सी इस साइज की है तो आपको एक साथ में नहीं डालना है, आधा आधा करके डालना है। बड़े साइज की है तो एक साथ कर सकते हैं, और ढक्कन लगा करके इसे पल्स मोड पे पीसना है। आप मिक्सी को लगातार चलाते हो पीसेंगे तो इसमें से तेल निकल जाएगा, तो इसका घट हो जाएगा पूरा, तो वो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं इसका पाउडर देख बहुत ही अच्छा बन गया है, इसे हमने पल्स मोड पे पीसा है। यदि पीसते समय मिक्सी आपकी गर्म होने लग जाए तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं, क्योंकि मिक्सी जैसे ही गर्म होने लगती है तो इसका तेल निकलने लग जाएगा। अभी इसको हम एक बार छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसके ऊपर इस तरह से छलनी लगा देते हैं। ये सूजी छानने की छलनी है, आप चाहे तो आटा छानने की छलनी ले सकते हैं, पर मैदा छानने वाली छलनी हमें नहीं लेनी है, वो बहुत ही बारीक हो जाती है। अब इसको हमें छान लेना है। छानने का रीजन ये होता है कि इसके दाने एक जैसे बन के तैयार होंगे। यदि आप बिना छाने बना लेंगे तो मिठाई के अंदर स्मूथनेस नहीं आएगी, तो इस तरह से करके आप छान लें। आप चाहे तो इसे हाथ से छान सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कोई कड़ची ले लें, कड़ची से भी आराम से निकल जाएंगे। जो बड़े बड़े होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ जो मैं टिप्स बता रही हूँ उसको बराबर फॉलो करेंगे तो आपके घर में एकदम परफेक्ट ही बनेगी।
अभी मैंने इसको छान लिया है और जो बड़े बड़े पीस रह गए उसको वापस एक बार पीस लेते हैं। अभी दूसरी बार पीसते समय जो दाने हमने बचा के रखे थे पहले वो मिक्सी के जाल में डालने हैं, क्योंकि ये वाले दाने थोड़े महीन हैं वैसे भी, तो नीचे डालेंगे तो ज़्यादा पीस जाएंगे, तेल निकलना शुरू हो जाएगा, इनको हमें ऊपर डालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेंगे। अभी दूसरी बार हमने वापस पीस लिया है और ये भी इसमें डाल देते हैं और इसके एक बार अच्छे से छान लेते हैं। पल्स मोड पे हमने पीसा है तो इसमें तेल नहीं निकला है, एक जैसे दाने निकले हैं इसके। इस तरह से हमने सबको छान करके निकाल लिया है। थोड़ा बहुत यदि पीछे रह भी जाए तो आप सब्जियों में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके दाने एक जैसे बन के तैयार हुए, जिससे मिठाई एकदम परफेक्ट बनती है। अब इस मिठाई में अच्छा स्वाद लाने के लिए यहाँ पर हम कोई मावा वगैरह ऐड नहीं करेंगे, मिल्क पाउडर डाल देते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर लिया है। आपके घर में जो भी मिल्क पाउडर हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को हमें इसी समय डालना है जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा और जैसे मार्केट में मिलती है वैसी मिठाई बनकर के तैयार होगी। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 कप जितनी शक्कर डाल देते हैं। 2 कप हमने मूंगफली ली थी इसीलिए हमें 1 कप शक्कर लेनी है, मूंगफली का आधा लेना है। नाप इसका एकदम परफेक्ट है और जितनी शक्कर लेते हैं उसका आधा हमें पानी डालना है, ये हमें नाप से ही लेना है। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और शक्कर को इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे कि पैंदे में शक्कर चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर ली है, इसकी जगह पर आप चाहे तो 1 कप मिश्री भी ले सकते हैं। मिश्री को जब भी ले तो थोड़ा टुकड़ा करके ले जिससे वो जल्दी गल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे शक्कर इसमें गलने लग गई है, तो इसमें हम 3 से 4 बूंदे केसर के एसेंस की डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें केसर की पकौड़ियाँ भी डाल सकते हैं, पर केसर डालने से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा येलोइश हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं, केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। हमें इसको आज सफेदी रखना है इसीलिए इसमें केसर का एसेंस डाला है। केसर का एसेंस डालते ही इसमें केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। उबाल आने के बाद में लगभग इसे 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे जिसे इसकी एक तार की चाशनी बन जाएगी। आँच को हमें मध्यम रख के ही पकाना, तेज आँच पर नहीं करना है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। आँच को इस समय धीरे कर लेते हैं और हल्का सा स्पेटोल पे लेंगे और थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे। इस तरह से करके देखेंगे तो देखिए इसमें तार बन रहा है। बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो फिर गाढ़ी हो जाएगी चाशनी, एक तार परफेक्ट बन रहा है देखिए। अभी जब हमारा एक तार बन जाता है तो उसके बाद में ये मूंगफली हमने पीस करके रखी है वो थोड़े थोड़े करके इसमें डालेंगे। एक बार आधी डाल देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं जिससे कि इसमें गांठे नहीं पड़े। एक साथ में डालेंगे तो गांठे पड़ जाएगी। वैसे आपको इस तरह की रेसिपीज पसंद आती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया तो आप देख पा रहे हैं इसमें कोई तरह के लम्स नहीं हुए, पीछे बचा हुआ उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से पूरे मिक्स को मैंने इसमें डाल दिए। आँच को मैंने इस समय धीरे ही रखा है, बहुत धीरे आँच में ही। आप चाहे तो इस समय आँच बंद भी कर सकते हैं, अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप देख पा रहे हैं इसमें कोई तरह के लम्स वगैरह नहीं है, इस तरह से आप कर ले कोई लम्स नहीं रहेंगे। इस समय आपको थोड़ा गीला लग रहा होगा, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। यदि आप लोहे की कढ़ाई वगैरह लेते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा घी लगा दें, तेल लगा दें, जिससे क्या है वो चिपकेगा नहीं। अभी इसे मिक्स करने के बाद में लगभग मैंने 1 मिनट तक पका लिया है और आप देख पा रहे पैन को ये छोड़ रहा है, इस तरह से पैन छोड़ने लग जाता है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया। देखिए इसे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो मिठाई कड़क बन जाएगी। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी इसे रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, इसे खोल करके देख लेते हैं। 15 मिनट में देखिए अच्छे से सेट होने लग गए हैं। अभी इसको एक बार मत लेंगे तो यहाँ पर मैंने मैसर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा सकते हैं, हल्का सा लगा लें इस तरह से, जिससे अच्छा स्मूथ हो जाएगा। ये हल्का हल्का इस तरह से कर लें। इस तरह से मैश करने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और कोई खा के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने घर पे बना के तैयार किया। इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मैश कर लें, इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये मेरे पास मैसर है इसलिए मैसर से कर रही हूँ। यदि आपके पास इस तरह से मैसर नहीं है तो ग्लास तो सबके घर में मिल जाती है, तो ग्लास के ऊपर इस तरह से घी लगा दें, थोड़ा सा घी इसके साइड में भी लगा दें और इस तरह से इसे मैश कर सकते हैं। तो जो आपको ईजी लगे, आसान लगे, उससे आप कर सकते हैं, इससे भी ये बहुत अच्छा मैश हो जाएगा। इस तरह से 2-3 मिनट तक मिक्स करने के बाद में इसे हमने ठंडा कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट है। इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसमें से एक छोटी सी लोई ले लेंगे और तेल इसमें से काफ़ी निकलने लग जाता है। आपको हाथ में घी तेल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा आज की रेसिपी के लिए मैंने कोई भी तरह का घी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है और रेसिपी एकदम परफेक्ट बनी है। और देखिए घी तेल हमने लगाया नहीं, फिर भी मूंगफली में से तेल निकलने लग जाता है और आप देख पा रहे हैं दिखने में कितना स्मूथ लग रहा है। इसे अभी हल्का सा दबा देंगे, इस तरह से दबा दें और एक पेड़े का सेब दे देंगे।
छोटा सा पेड़े की तरह हो जाएगा। और इसी के साथ इसके ऊपर एक छोटा सा पिस्ता लगा देंगे। ये लगाना ऑप्शनल है, ये लगाने से का लुक अच्छा दिखता है। इस तरह से हमारे रेशियो में लगभग ये 700 ग्राम बन करके तैयार हुए हैं और दिखने में आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये वन बाइट हमने बना के तैयार किया है क्योंकि दिवाली का सीजन है और दिवाली के समय सभी लोग घर में आते ही है, तो उस समय थोड़े थोड़े सर्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में भी आसानी रहती है। अभी इसको और सुंदर करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी केसर को भिगा के रख दिया था और केसर अच्छे से भीग जाती है तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा थोड़ा केसर है इसके ऊपर लगा देंगे। ये लगाना ऑप्शनल है पर इसका लुक अच्छा दिखता है। यही मिठाई यदि आप बाजार से लेकर के आते हैं तो बहुत ही महंगी पड़ती है। हमारे घर में लगभग ये 115 रुपया किलो मिठाई बनकर के तैयार हुई है। तो इन त्योहारों पर आप भी अपने घर में ये मिठाई जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।